नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछु आधुरी एवं वर्तमान जो चित्र देखि पाछन एवं आमे जो टॉपिक रे डिस्कशन करबा को जाउछि ये होछि कोरोना रा डबल स्पीड आमे एथि पई कहउछु काई किना राज्य रे लगातार हेबो एठी सप्ताह पाखा पाखी हिचबो सप्ताह भितरे कोरोना रा स्पीड अर्थात कोरोना रा जो ग्राफ रहिछि ये द्रुत गति रे बढी चलीछि जो संख्या हजार टपि नथिला ता भाविया को समय लगुला जे हाँ हजार टपिब ए बर्तमान तान हजार छुईवाक गला बर्तमान जहाँ बड़ खबर आसी पहुँचुची जे करोन आज पखापाखी 2998 जन चिन्हट होती क्वारेटाइन सेन्टर चिन्हट होती 1733 जन एवं लोकाल कंट्राक्ट केस रही 1256 अर्थात आज पुणी थे 2000 टपिछे गत दुई दिन तलर जब रेकर्ड देखा तेल 1700 टपुला गत काली 2000 टपिता बेले आज से ही समान ढंग से 2000 टपिछे अर्थात 2998 संक्रमित चिन्हट होती जहाँकि पखापाखि 3000 मुहाँ आम कहींपर आनि हजार छुईवाक मात्र कईटा संख्या रही आब भितर सुंदरगढ़ जिला सबुठ चिंताजनक स्थित रही जो थे कि आज 600 टपिछे पूर्व आम जो चित्र देखुलु पखापाखि 400 टपुला अर्थात 300 टपुला किंतु से संख्या आज जाए 600 पहुंची तो कौटना कौटी ये गोटे चिंताजनक चित्र ही सामना को आसुची एवं सरकार को पाई अनेक किसी चिंता सामना को आसुची आम कही रखु सुंदरगढ़ आज चिन्हट होती 631 ठीक से भली ढंग से खोर्धारु जदि देखा खोर्धारु चिन्हट होती आज 438 अर्थात खोर्धा 400 टपिचे जो संख्या देखा मिलूला 300 भितर आज ता 400 टपी 438 पहुँची से कलाहांटी तृतीय नंबर जी आम देखा कलाहांटी रही 260 कटक्रु आज चिन्हट होती 208 तो ये कौटना कौटी गोटे राज्यपाई बड़ चिंताजनक चित्र सामना आसूँ सीधा साल आम सहित जोड़ रही आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य लगातार भाव आम जो सप्ताह रेकर्ड देखु जो करोना ग्राफ देखु धीरे धीरे बढ़िबार लगी दुई दिन धरी जदि देखा से ग्राफ 2000 टपिची एवं पाखापाखि आज जो चित्र आसूँ ये चित्र स्पष्ट करुच्छे 3000 छुईवाक मात्र कईटा संख्या रहा दिव्य देखो माधुरी जो कथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने आकलन करते कथा धीरे धीरे सत हो देखिए गत 4-5 दिन तले अशोक महापात्र जी रही स्वास्थ्य विशेषज्ञ पूर्वतन पूर्वतन एम्स निर्देशक से रही जो आकलन था से कहते जो राज्य में आग को दैनिक 10-15 हजार संक्रमित चिन्हट होते बर्तमान आम से स्थिति आड़ को मुहां अर्थात आज राज्य में एका थर के 600 संक्रमण स्थिति अधिक बढ़ी गत का 2200 आज यह 700 पाखापाखि बढ़ी 29 पहुंची तो कौना कौटी स्थिति भयंकर आड़ को जाऊँगी गत 24 घंटार जो कोरोना परिसंख्यान रही देखिए से सुंदरगढ़ सर्वाधिक रही 631 जहाँ सर्वकालीन रेकर्ड पूर्व जो लहर था पूर्व लहर में मध्य सुंदरगढ़ में दैनिक एक सांगे संख्यार कौन दिन संक्रमित चिन्हट होना एवं आप देखिए खोर्धा जिले में 438 रही अंपटे कटक कथा देखिए कलाहां कथा देखिए सब जगार 260-208 यही संक्रमित चिन्हट होती आप देखिए 5 जिले में संक्रमित संख्या 100 ऊपर रही 6 जिले में संक्रमित संख्या 50 ऊपर रही विगत 15 दिन भितर चलित मसर 15 दिन भितर 17425 संक्रमित चिन्हट हो सारे जहाँ सब बड़ चिंताजनक विषय और मुख्यमंत्री बारंबार समस्त अपील कर समस्त मास्क पिंधतु घर बाहर को बाहर बेले सामाजिक दूरता बजाय रखु किंतु लोक मैंने अवलंबन करूना लोक मैंने अनुपालन करूना जोपाई आज भयंकर परिस्थिति सृष्टि होती गत काली आप देखो पिपिल रो बार्ता आसला पिपिल जो मेसेज आसला जदि आम कोरोना कटक न मानुचे तो भयंकर परिस्थिति सृष्टि हे अजित मंगराज जो देहांत तार गोटे बड़ उदाहरण कहुची कारण ये जो पिपिल रे जो दृश्य देखाला लोक मैंने कोरोना कटक को मानले ना तार परिणाम अजित मंगराज भोगवाक पड़ा एक चर्चा होती तो आज का स्थिति में लोक मैंने सचेतन होने दरकार जो ओडिशा रे भयंकर स्थिति नौकरी भाइरस एभली स्थिति में आम सचेतन ना तो सबुठ अधिक सम्मुखीन हवा अधिक सफर आम मैंने जहां बर्तमान परिस्थिति देखा जो सरकार परिचालन दायित्व को प्रश्न उठी कारण अनेक जगार बेड र अभाव पड़ला कारण जो पाखापाखि 15 हजार आक्टिव केस रही जदि सरकार कहते अनेक लोक घरे होम आइसोलेसन रोचे तथापि किसी लोक जो मानकर सीरीयस कंडीशन रही मेडिकल अणा होती किसी जगार बेड ना कि मेडिकल बेड ना ये चित्र सामना को आसी कटक भुवनेश्वर जो प्रमुख घर हस्पिटा गुड़िक रही बेड्र अभाव धीरे धीरे
परिलक्षित होगा आईसीयू अभाव परिलक्षित भेजेटर अभाव परिलक्षित से दृष्टिकोण सरकार जी तत्पर होगा आवश्यक रही लोक मैंने अधिक सचेत हो आवश्यक रही गत काली सुंदरगढ़ जिलार जो स्थिति चिंता प्रकट करते सरकार जहाँ को नहीं मुख्य शासन सचिव सुंदरगढ़ जिला परिदर्शन करते सहित राउरकेला जाते से जाते आप देखिए बुर्ला भीमसार स्थिति परिस्थिति और बेड बढ़ाया कहुई बुर्ला भीमसार द्वितीय कोविड हस्पिटाल कहुई सरकार जी चिंता प्रकट करू आहरी चिंता अधिक प्रकट करा पड़ो आगामी दिन कारण जो स्थिति आगको स्थिति आहरी भयंकर हेबो जेउथु पई कि लोकंकु सचेतनता हेबार आवश्यकता रहिछि किंतु ए सब भितरे जदि देखिबा बे पाकापाकी अनेक जिल्ला रे रहिछि 100 टपिछि संक्रमितक संख्या सीधा सळख जिपा नुवापडा सेटर छि हम प्रतिनिधि युधिष्ठिर पटेल युधिष्ठिर आजिर जो कोरोना ग्राफ कहउछि ये हुछि 151 छुइछि नुवापडा को अर्थात नुवापडा रु आज संक्रमित चिन्हट होछन्ते 151 जण सेठाकर जिल्ला प्रशासन केते प्रस्तुत रहिछि एवं लोके केते विशेष करि सचेतन रहिछन्ते निश्चित भाव में माधुरी देखु नुआपड़ा जिले में कोरोना दिनकू दिन बढ़िवे लगी निश्चित भाव में नुआपड़ा जिला प्रशासन पर मुंड व्यथार कारण पलटि आम जदि कह कि दिन भितर जो कोरोनार जो ग्राफ बढ़ी ता दुई गुणा बढ़ी देखु किसी दिन तले 303 काली 104 आज 151 एभली भाव में जो दिनकू दिन बढ़िवे लगी निश्चित भाव में जिला प्रशासन पर एक मुंड व्यथार कारण पलटि आम जदिपर नुआपड़ा जिले में खरिया रोड सहर को आसंता 16 तारिख रु 21 तारिख जाए बंद कर बजार को बंद कर सूचना मिलू ठीक से ही खड़ियाल सहर को 16 तारीख ठार 24 तारीख पर्यंत बणिक संघ माने निज आड़ बंद करेंगे जहाँ सूचना मिली ठीक से हीपरी सीनापाली सहर जेहेतु छत्तीसगढ़ सीमार लगिकी रही माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषणा कर दि जाएगी माधुरी यहीपरी जिलार विभिन्न जो सीमावर्ती अंचल अच्छी सीमावर्ती अंचल को संपूर्ण लॉक कर दि जाएगी संपूर्ण कड़ाकड़ी व्यवस्था कर दि जाएगी से पुलिस पहरा दे सहित चेकिंग चली विभिन्न अंचल रे मास्क चेकिंग चली लोके एबे मध्य मानिया अछंती मास्क पिंधुनाहंती सेति पई दिन को दिन बढ़िवे लगी जहाँ देखा मिली ता सहित जो छत्तीसगढ़ सीमा को जो लगिक रही नुआपड़ा खरिया रोड सहर रहा सीनापाली सहर रहा से सबुबले कोरोना आक्रांत संख्या बढ़िवे लगी तो ये निश्चित भाव में जिला प्रशासन पर एक मुंड व्यथार कारण जहाँ देखा मिली माधुरी नेते बेजो कथा आप कहते हैं छत्तीसगढ़ सीमा को बंद कर जो कि राज्य में संक्रमित संख्या हुए तो किसी रोक जापे ये हूँ प्रशासन निष्पत्ति किंतु लोके जो अमानिया रही से भाई भाव में जो कथा कह जोरीमाना आदाय कथा कहुच्छे से भाई भाव में प्रशासन पक्षर सठिक ढंग से जोरीमाना को आदाय कर लोके सचेतन रही तो आमे जदि कहीपर लोके लोक मास्क पिंधापी विभिन्न समय रे पुलिस सचेतन करुच्ची सामाजिक दूरता रखापी सचेतन करुच्ची किंतु कौटिना कौटी जगह लोके अमानिया होती मास्क ठीक समय मास्क पिंधुना सामाजिक दूरता रखुना ता सहित कोरोना को लेकिन जिते सतर्क रहा कथा से अवलम्बन करना आउ गोटे कथा कहीपर जेहेतु छत्तीसगढ़ सीमांत को लगिक नुआपड़ा रही छत्तीसगढ़ संपूर्ण रायपुर सहर को लकडाउन कर दि जाए नुआपड़ा अंचल श्रमिक मैंने आउ से माने फेरिबा आरंभ कर देले विभिन्न बाट देकि नुआपड़ा जिलार विभिन्न जो रास्ता अच्छी छत्तीसगढ़ को लगिक सीमांत जो रास्ता अच्छी से रास्ता रे से माने आसीबा भी आरंभ कर देले तो ये जिला प्रशासन एवेठारु जदि तत्पर न हुए तो आगामी दिन यहाँ जे गोष्ठी संक्रमण हो नुआपड़ा जे छत्तीसगढ़ भले न हो यहाँ एड़ाई दि जाने पर माधुरी निहतर युधिष्ठिर आप जो कथ कौन जे पाखापाखी नुआपड़ा को आसवाक कहले जो कथ छत्तीसगढ़ अनेक कि रास्ता रही तो प्रशासन पक्षर एने कौन से पदक्षेप नि ना देखु समस्त रास्ता को सील कर दि जाए पुलिस पहरा दे आउ जो माने आसुछंती तांकर आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखला पर ही छड़ा जाउची सही बोली अति आवश्यक जिनस जमती परिवा गाड़ी एमती गाड़ी को छड़ा जाए संपूर्ण बस को अचल कर दि जाए बस छत्तीसगढ़ को जीवा आसीबा बंद हो जाए तो आम जब कह नुआपड़ा जिलार विभिन्न धर्मानुष्ठान पर्यटन स्थली पार्क मंदिर समस्त को बंद कर दे जिला प्रशासन आ गोटे कथा मुझे सूचना देवाक चाहिए माधुरी जे गत किछी दिन तले कोरोना जो ग्राफ जो बढ़ी चली यार भितर 12 जन मुंड नहीं सारे कोरोना जो कोरोना
आम जब गोटे सप्ताह कथा कह पाखापाखि 800 रु 900 कुछ मिलला तो जो दिनक दिन जो कोरोना बढ़िवे लगी कोरोना ग्राफ जो बढ़ुच्ची यह एक निश्चित भाव में नुआपड़ा जिलावासी मुंड व्यथार कारण निहाते कोरोना जो भाई भाव में बढ़ी चलती अर्थात ये भयंकर रूप ने कोरोना जहाँकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो मत ने जो मत दे पाखापाखि दैनिक संक्रमण संख्या 10,000 रु 12,000 डेब ये पाखापाखि 3,000 छुईवाक गला तो कौटना कौटी गोटे चिंताजनक विषय आसूची समस्त जिला प्रति चिंता घारी जिला प्रशासन प्रति चिंता घारी लोके कौटना कौटी सचेतनता हेबार आवश्यकता रही कितु युधिष्ठिर जानकु चाहबू कोविड नियम जो कथा सेठाकर साधारण जनता रही कोविड नियम को सठिक ढंग से पालन कर नहीं देखु जिला प्रशासन बारंबार सचेतन कर देखु आम जी कहीपर खड़ियाल नुआपड़ा और खरिया रोड जो तीनो एनएससी अच्छी से ही एनएससी सबूले बजार भितर सूचना दि जाऊँगी सबूले कहे या सामाजिक दूरता अवलम्बन करूँ मास्क पिंधतु सानिटाइजर व्यवहार करूँ कितु कौटी ना कौटी लोके मानवर नाराज होती मास्क पिंधुना सामाजिक दूरता ये करना से जिला नुआपड़ा जिले में बर्तमान हु बढ़ी चलती सहित आम जब कहीपर छत्तीसगढ़ जो सीमा को लग कि गाँ अच्छी किसी अंचल अच्छी से लोकंर जावास कहीं किसी ना कि संपर्क रही तो सही जावास सब लग रही तो से संक्रमण बढ़िवे दिनक दिन लगी संक्रमण बढ़िवे लगी तो कौटना कौटि स्थानीय प्रशासन कथा कह लोके सठिक ढंग से सचेतनता पर आवश्यकता रही आम सहित सीधा सड़क जोड़ रही फोन लाइन आम सहित जोड़ रही मलकानगि प्रतिनिधि विक्रम विक्रम मलकानगि जो चित्र आज जो ग्राफ आसूरी कोरोना संक्रमण आज दुई जन चिन्हट होती तो ये कौटना कौटी जदि आम कहीपर कि ढंग से जदि कोरोना ग्राफ बढ़ूना मलकानगि किंतु सेठाकर प्रशासन केते सजग रही लोके केते सचेतन रही निहत रूपए कह देखो जी कह मलकानगि बर्तमान आउ दुई बढ़ी बारटी पहुंची कोरोना संक्रमित संख्या प्रशासन तु विपद आगे जा तत्पर देखाई सहित जी कह मलकानगि तीनो जो राज्य को तार सीमा लगी जो आंध्र तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तीनो सीमा को सीज करने लोक मान सचेतन करवा लगी पड़ी सहित जिला को कौन भी छत्तीसगढ़ गाड़ी आंध्र प्रदेश गाड़ी प्रवेश करवाक दौन बाहर दौन जदि अत्यावश्यक सामग्री देख जी कह कौन भी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभिन्न प्रकार सामग्री मलकानगि आसी है जो वाणिज्य व्यवस्था है कि संपूर्ण प्रकार सब प्रकार जिन बंद करत्यावश्यक सामग्री केवल प्रवेश कर लोक जी कह लोक ग्रहण करी कह नाइट कर्फ्यू को ग्रहण करते सहित सामाजिक दूरता सहित मास्क ग्रहण करने बाध्य ग्रहण कर निहाते हे जदिओ आम देखा मलकानगि जदिओ कोरोना संक्रमित संख्या कम रही कि सब भितर हुए तो से संख्या बढ़े 100 छुई जाए कहीं राज्य में दैनिक संक्रमण पखापाखि 10,000 रु 12,000 टेब जहाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने मत रखुंट कि सब भितर जो मैंने साधारण जनता रही जिला प्रशासन पक्षर कोविड नियम को सठिक ढंग से पालन कर मलकानगि जिले में कोविड नियम सठिक भाव पालन करी कह समस्त प्रकार गत काली रही जी कह जो विश्व संक्रांत पण संक्रांति बहुत कड़ा बहुत कटका मध्य पालन करा सहित समस्त प्रकार जिला प्रशासन सब प्रकार व्यवस्था करुच्ची सब सचेतन रही लोक सचेतन करुच्ची थाने थाने चेकिंग मास्क चेकिंग सहित सामाजिक दूरता को बाध्यतामूलक सहित लोक मैंने सब बड़ कथ कह लोक ग्रहण करते पड़ोसी छत्तीसगढ़ कथ कह पड़ोसी जो सुकमा जिला कथा सेठाकर कोरोना स्थिति गंभीर अच्छी तो लोक मैंने कौट ना कौट भयभीत अच्छा मलकानगि जिला को आने निजक निज सुरक्षा देवार अच्छी तो कोरोना कटकार को मानवा पड़ो निहते मलकानगि लोके कौटना कौटि सचेतनता रही किंतु विक्रम जानकु चाहबू जे जिला प्रशासन पक्षर से नहीं कौन सी सूचना आसी पहुँची पारे धर्मानुष्ठान को बंद कर जो पर्यटन स्थल रही सेठा को बंद कर कहीं सेठू संक्रमित संख्या अधिक बढ़िबार आशंका देखा दे था कह बर्तमान सुधा कौन प्रकार जो धर्मानुषान जो पर्यटन स्थल को बंद कराइवा कौन प्रकार घोषणा कराए ना कि भविष्य में जदि से प्रकार विकट पिस्थित देखा जाए बंद कारण जी कह देखो छत्तीसगढ़ को जब सीमा को सील कर लोक मानक सचेतन छत्तीसगढ़ को प्रवेश बाहर को जो कौन प्रकार अनुमति न दि जाए
ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଡ଼ି ନା କୋଡ଼ି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସେତିକି ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଛତିଶଗଡ଼ କିଛି ପରିମାଣ ତ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେଠାକାର ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ। ତ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ି ନା କୋଡ଼ି ଭୟ ରହୁଛି ଯେ ସେଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଛି କରୋନା ପ୍ରକୋପ ମାଲକାନଗିରିରେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖାଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଆଉ କଟକଣା କରିବାର ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା କରିବାର ନଜର ବି ଆସିପାରେ। ନିହାତି ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଲୋକେ ବେଶ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ କହୁଛି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେ 2 ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଇଏ 2 ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ 200 ହୁଏତ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ 10,000 ରୁ 12,000 ଡେଇଁବ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ସେବାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଏବଂ ଯାହା ବି ରହିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ବା କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକେ ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କେତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଡ଼ିଆଲସ୍ଥିତ ଏକ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନୂଆପଡ଼ା ସିଲଦାସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ସେହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା କିଛି ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସକୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଛଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରିଏନ୍ଗେଜ୍ କଲାଣି, ପୁନଃ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର କଲାଣି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ତତ୍ପର ଅଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଏବଂ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଯେହେତୁ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି କେମିତି ଏଠି ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନ ବଢ଼ିବ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଇଏ ଦେଖିବା ନୂଆପଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସମ୍ପଦ ଦାସ। ଡକ୍ଟର ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ 2 ଦିନର ଚିତ୍ର, କରୋନା ଗ୍ରାଫ 2,000 ଟପିଛି, ପାଖାପାଖି 3,000 ଛୁଇଁବା ଉପରେ ରହିଛି, ତ ଆଗାମୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଛୁଇଁବ କ'ଣ ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଡକ୍ଟର ଦାସ? ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ବଢୁଛି ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକର ଯେଉଁ କରୋନା ବା 2021 ଯେଉଁ କରୋନା ଆମେ କୁହାଯାଉଛି ଏହା 2020 ଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବା ଅଧିକା ଡେଞ୍ଜରସ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବି ଆମର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦେଖିଲାଣି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଜିଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ହଉ କି UK ଭାରିଏଣ୍ଟ ହଉ, ଏମିତିଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବି ଭାରତରେ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ନିମୋନିଆ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଆସୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏହା ବୟସ ବା ଆଗେ ଅଧିକା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷର କରୋନା ପାଇଁକି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଠୁ ଯେଉଁ କରୋନା ସବୁ ନ ହବାର ମେଜର୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନବା ଉଚିତ। ନିହାତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଦାସ, ତା ସହିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରଥମ ଲହର ଆମେ ଦେଖିଛୁ 2020ର ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ 2021ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ବା ଇଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ରହୁଛି ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଯାହା ମତ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 10,000 ରୁ 12,000 ଡେଇଁବ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି କି ଇଏ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି କି ଡକ୍ଟର ଦାସ? ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯଦି କହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତାର ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡାଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ବ୍ରାଜିଲ UK ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭାରତ ସାରା ସର୍କୁଲେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କରୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଭାରତର ଯାହା ଚିତ୍ର ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପାଖାପାଖି ସେଇ ଚିତ୍ର ଆସିବ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏହା ସମସ୍ତେ ବି ଭାବିବା କଥା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁକିଛି ଖୋଲିଲୁଣୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ ଚାକିରି
ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବା ଯୋଉ ସଜାଗ ରହିବା ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା କାଫି ପରିମାଣରେ କମିଛି ଏଇ ଦିନରେ। ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେସେଣ୍ଟ ବା ଟିକେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ କରୋନା ତ ଗଲାଣି ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ଏଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଆସ୍ତେ କରୋନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିହାତି, ଏବେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସମ୍ପଦ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ପାଖାପାଖି 3000 ମୁହାଁ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର 2 ଦିନ 1700 ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତକାଲିର କରୋନା ଗ୍ରାଫ 2200 ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାହା 2900 ଛୁଇଁଛି, ପାଖାପାଖି 3000 ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁବାକୁ ଗଲାଣି। ତ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 10,000-12,000 ଛୁଇଁବ, ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ରହୁଛି ଯେ ଲୋକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନାକୁ ଆଉ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛୁ। ଯଦିଓ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ବା ଇଏ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଦେଖିଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ଯଦିଓ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ହେବାର ଘୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଏହି କରୋନାକୁ ଜିତି ପାରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଏହି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।